हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक और अहम खबर विदेश से जुड़ी हुई जान लीजिए। भारत चीन सीमा विवाद के बीच खबर यह है कि लद्दाख में गैलवन घाटी में चीनी सेना ने अपने टेंट कम किए हैं। टेंट घटने के कारणों का पता नहीं चल सका है। और देखिए अब नजरें 6 जून की दोनों देशों के कोर कमांडर्स के बीच होने वाली बैठक पर लगी हुई। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या ये मोदी की विदेश नीति की जीत है। गैलवन घाटी में टेंट कम हुए, चीनी सैनिकों की तादाद घटी। क्या तनाव घटाना चाहता है चीन? चीन हाई एल्टीट्यूड एरिया में दुश्मन के घर में घुसकर जीत हासिल करने की ड्रिल का वीडियो जारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वो टेंट भी हटा रहा है। ऐसे में सवाल यही है कि चीन ऐसा क्यों कर रहा है। पिछले एक महीने से वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चल रही तनातनी के बीच टेंट और सैनिकों की तादाद कम होने की कोई वजह सामने नहीं आई है। 6 जून को दोनों देशों के लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की होने वाली बैठक में साफ हो पाएगा कि क्या चीन वाकई पीछे हटकर तनाव कम करना चाहता है या कोई और वजह है। इसकी एक वजह है भारत का डटे रहना। भारतीय सेना ने NH-44 पर बिजबेहरा में 3 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी का निर्माण शुरू किया है ताकि इमरजेंसी में लड़ाकू विमानों की लैंडिंग कराई जा सके। वहीं कल ही राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 मिनट तक भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। इस बातचीत में भारत चीन सीमा पर तनाव पर भी बात हुई। आज ऑस्ट्रेलिया के पीएम के साथ भी भारत की शिखर वार्ता है, यानी घर भी और बाहर भी जवाब देने की भारत पूरी तैयारी में है। सूत्रों के मुताबिक गैलवन घाटी में चीनी सेना को भारत के निर्माण कार्यों से दिक्कत थी। भारत अपने इलाके में सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर और डिफेंस फैसिलिटी तैयार कर रहा था। गैलवन नदी पर भारतीय सेना पुल बना रही थी जिसे लेकर दोनों देशों के सैनिकों के बीच मारपीट हुई, जिसके बाद चीनी सेना ने 80 टेंट गाड़कर करीब 800 सैनिक तैनात कर दिए। जवाब में भारतीय सेना ने भी मिरर डिप्लॉयमेंट यानी बराबर की तैनाती कर दी थी। तनाव के बाद से दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की बैठकों का दौर जारी है। भारत की तरफ से साफ कहा गया कि चीनी सेना को कैंप हटाना होगा। भारत का कहना है कि दोनों देशों के कैंपों के बीच ही वास्तविक नियंत्रण रेखा डीमार्केट यानी निर्धारित कर दी जाए ताकि ऐसा विवाद आगे ना हो, लेकिन चीन दोनों ही मांग मानने में टालमटोल कर रहा है। यही वजह है कि भारत बातचीत के साथ साथ चीन की साजिश से लड़ने की पूरी तैयारियां करने में जुटा है। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ।